हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दुर्गेश है और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे हम जावा स्विंग को यूज़ करके एक डिजिटल क्लॉक बनाएंगे, जो डिजिटल क्लॉक हर एक सेकंड के बाद अपडेट होती रहेगी। और हम सीखेंगे कि कैसे हम डेट को फॉर्मेट करके, डेट और टाइम को फॉर्मेट करके फिर सेट करते हैं स्विंग पे। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम लाते हैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस, फिर वो चाहे जावा प्रोग्रामिंग हो, चाहे पाइथन की प्रोग्रामिंग हो, चाहे सी की प्रोग्रामिंग हो। तो लेटेस्ट वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि हम बनाने वाले क्या हैं और उसके बाद हम बनाना उसको सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप, बहुत ही आसान स्टेप्स में। तो हमारे पास यहाँ पे एक प्रोग्राम है जिसको मैं रन करता हूँ और आपको आउटपुट दिखाता हूँ। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास इंटेलिजे आईडी है, आप कोई भी आईडी यूज़ कर सकते हो, चाहे टेक्स्ट एडिटर यूज़ कर सकते हो, चाहे सबलाइम यूज़ कर सकते हो, या वीएस कोड यूज़ कर सकते हो, नेटबीन्स यूज़ कर सकते हो। हम यूज़ कर रहे हैं इंटेलिजे आईडी। तो हम इस प्रोग्राम को राइट क्लिक करते हैं और रन करते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमारा एक विंडो ओपन हुआ है और उस पर क्या है कि यहाँ पे तो हमारा ब्रांड लोगो का नाम लिखा हुआ है और हम यहाँ पे टाइप करके चेंज भी कर सकते हैं लोगो को। और यहाँ पे एक घड़ी चल रही है, डिजिटल क्लॉक, जो हमें डेट बता रही है और साथ ही साथ में टाइम भी बता रही है। इस क्लॉक को हम बनाने वाले हैं, हम ऊपर वाला पोर्शन नहीं कवर करेंगे, हम ऊपर वाला पोर्शन किसी और वीडियो में कवर करेंगे। बस हम अपनी वीडियो में क्या बनाने वाले हैं, एक सिंपल सा हेडिंग देंगे और हेडिंग के बाद हम अपनी क्लॉक देंगे बस। और क्लॉक हम रन करेंगे विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, या फिर हम टाइमर क्लास यूज़ करेंगे जो करेगी क्या, हर एक सेकेंड बाद हमारे क्लॉक को अपडेट कर देगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे हमें इस प्रोसीड करना और कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हम इसको बंद कर देते हैं और इसको बंद करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक नया प्रोजेक्ट बना लेंगे। तो हमने यहाँ पर नया प्रोजेक्ट बना लिया। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर जावा यूट्यूब करके बना लिया। हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले एक पैकेज बना लेंगे, पैकेज, और पैकेज का नाम दे देंगे, लेट अस सपोज कॉम डॉट प्रैक्टिस, और एंटर कर देंगे तो हमारा पैकेज भी क्रिएट हो जाएगा। हम दिखाते हैं आपको पैकेज मैंने कहाँ बनाया है, SRC फोल्डर के अंदर पैकेज। अब हम क्या करेंगे, इस पैकेज के अंदर क्लासेस बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक क्लास बना लेते हैं राइट क्लिक करके, और जावा क्लास, और यहाँ पे क्लास का नाम दे देंगे, इट्स द मेन क्लास, कैपिटल M, एंटर। तो हमारी क्लास बन जाएगी और हम इस क्लास में अपना मेन मेथड रखेंगे। तो आप क्या करिए, PSBM टाइप करिए, कंट्रोल स्पेस टाइप करिए, अपने आप से JetBrains सजेस्ट कर देगा। और हम यहाँ पे एक एसआउट मैसेज दे देंगे, ऐसे ही टेस्टिंग, सिर्फ टेस्ट करने के लिए कि हमारा प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करके रन कर सकते हैं, यहाँ से भी रन कर सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे स्क्रीन पे, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे टेस्टिंग आउटपुट मिल गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना, सबसे पहले विंडो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे और एक और क्लास बनाते हैं, अपने पैकेज पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे क्लास जिसका नाम देंगे माई विंडो, और एंटर कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि इस ये नॉर्मल क्लास है और इसके पास कोई भी विंडो की प्रॉपर्टीज़ नहीं है, ना फिर इसके पास टाइटल बार है, कुछ भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस किसी दूसरे क्लास की प्रॉपर्टीज़ को एक्सटेंड करेंगे। तो हम लिखेंगे एक्सटेंड्स, और जो क्लास है हम प्रॉपर्टी एक्सटेंड करने वाले हैं वो है जे फ्रेम क्लास। जैसे ही आप जे फ्रेम क्लास को एक्सटेंड करते हो तो जे फ्रेम क्लास की सारी प्रॉपर्टीज, जो भी वेरिएबल होंगे वो सारे हमारे इस क्लास में आ जाएंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, वो सारे वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, और सारे मेथड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम बनाने वाले कंस्ट्रक्टर माई विंडो का, और हम कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ मैथड्स को कॉल करेंगे अपने जे फ्रेम का। तो क्योंकि जे फ्रेम पेरेंट क्लास है तो मैथड को आप ऐसे कॉल कर सकते हो, सेट टाइटल, और हमने कहा माई क्लॉक, ओके। या फिर आप सुपर नहीं भी लगाओगे तब भी जावा क्या करेगा, समझ लेगा कि जो सेट टाइटल है वो पेरेंट क्लास का मेथड है। तो आप ऐसे ही नॉर्मली कॉल कर सकते हो या आप सुपर कॉल कर सकते हो, ये आपकी मर्जी कैसे करना चाहते हो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सुपर लगा देते हैं, दैट्स इट। अब ध्यान से देखिएगा करेंगे क्या हम लोग, उसके बाद हम यहाँ पे सुपर डॉट सेट साइज कॉल करेंगे, और यहाँ पे दो चीज़ देनी है, विड्थ और हाइट। तो हम यहाँ पे 400 बाय 400, तो हमारी विंडो के साइज़ भी सेट होगी, टाइटल सेट हो गया, साइज सेट हो गया।
अब हम लोकेशन सेट करते हैं, तो हम कॉल करते हैं सुपर डॉट सेट लोकेशन, और दो चीज़ें पास करनी है आपको, एक्स और वाई पोजिशन पास करनी है। तो देखते हैं एक्स और वाई पोजिशन कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ से देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, जो एक्स होता है वो इस तरफ की डिस्टेंस होती है इधर, और जो वाई होता है ये बेसिकली एक्स है हमारी, वाई होगा वो इस तरफ की डिस्टेंस है वाई। तो हम लोग जहाँ पे अपना फ्रेम दिखाना है, क्योंकि 0 0 एक्सिस यहाँ पे, तो हम एक्स एक्सिस कितना देना चाहते हैं, वाई एक्सिस कितना चाहते हैं देना चाहते हैं, सेट लोकेशन वाले मेथड में हम लोग बता सकते हैं। पहले देखते हैं कैसे बताना है हमें, ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे सेट लोकेशन और एक्स दे देंगे, एक्स एक्सिस पे हम दे देंगे 300, एक्स एक्सिस पे हम लोग दे देंगे 300 और वाई एक्सिस पे हम लोग दे देंगे 50, दैट्स इट। और हम लास्ट पे क्या करेंगे, अपना सुपर डॉट सेट विजिबल, और हम सेट विजिबल को ट्रू कर देंगे विजिबिलिटी, जिससे कि हमारी विंडो दिख जाए। अब क्योंकि ये सारा काम कब होगा, जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब माई विंडो क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो हम लोग मेन मेथड के अंदर यहाँ पे माई विंडो का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, न्यू माई विंडो ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम चाहते हैं तो माई विंडो को किसी वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हैं अगर ज़रूरत है, माई विंडो मैंने कहा W। अब हम अगर इस क्लास को चलाते हैं तो सबसे पहले ये वाली लाइन चलेगी, फिर ये वाली लाइन चलेगी, और यहाँ से हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, तो हमारा ये काम हो जाएगा जो हमने यहाँ पे लिखा, ये पूरा काम देखते हैं रन करके। हम रन कर देते हैं, जैसे रन करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हमारा आउटपुट आएगा टेस्टिंग, और उसके बाद कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो जो काम हमने किया था वो यहाँ पे आ गया है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये देखिए हमारे टाइटल, इस विंडो का टाइटल सेट है माई क्लॉक, जूम कर देता हूँ मैं, और डिस्टेंस भी देखिए, ये वाई की डिस्टेंस थी 50 और ये है एक्स की डिस्टेंस, ये एक्स है और ये है हमारा वाई। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी, कैसे लोकेशन सेट करेंगे। और हमारी विंडो को यहाँ पे एक टाइटल बार मिला है, जिसमें हमने टाइटल सेट किया है माई क्लॉक, और यहाँ पे मिनिमाइज़ की बटन है, मैक्सिमाइज़ की बटन है, और क्रॉस की बटन है, जिससे हम ये विंडो बंद कर सकते हैं। तो इतना काम करने से हमारी एक विंडो बन गई। अब हम क्या करना चाहते हैं कि इस विंडो पे कुछ टेक्स्ट या फिर कुछ हम सेट करना चाहते हैं, तो हम लोग देखते हैं कैसे इसको प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से प्रोग्राम बंद कर देते हैं, यहाँ से प्रोग्राम बंद कर देते हैं और अपने विंडो में चलते हैं। तो मैं चीज़ों को बनाने के लिए क्या करूँगा, जो भी चीज़ बनानी है हम यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या डिक्लेयर करेंगे, प्राइवेट में इसीलिए रख रहा हूँ वेरिएबल्स को, जिससे कि इस क्लास के बाहर कोई ना यूज़ कर पाए। और एक लेंगे जे लेबल, और इसका नाम होगा हेडिंग, कि भाई हम हेडिंग में क्या रखने वाले हैं। और एक लेंगे प्राइवेट, और दूसरा क्लॉक के लिए भी मैं जे लेबल ले ले रहा हूँ, जे लेबल क्लॉक। तो हमने कहा क्लॉक लेबल, दो चीज़ें हो गई। और एक चीज़ मैं और ले रहा हूँ, प्राइवेट फॉन्ट, फॉन्ट इम्पॉर्टेंट है, फॉन्ट इज इक्वल टू न्यू फॉन्ट, और फॉन्ट को तीन चीज़ें देनी होती हैं, एक फॉन्ट फैमिली, तो फॉन्ट फैमिली मैं यहाँ पे स्किप कर दे रहा हूँ, दूसरा फॉन्ट का स्टाइल फॉन्ट डॉट बोल्ड, और तीसरा मुझे देनी होती साइज, तो मैं कहता हूँ 35, दैट्स इट। अब ये फॉन्ट मैं दोनों पे यूज़ करूँगा, स्पेस पे। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, कैसे बनाना है देखते हैं। हमें बनाना क्या है, या तो हम यहाँ पे बना दें क्योंकि ये कोड हमारा चल रहा है तो हमारा काम हो जाएगा, या हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं कंस्ट्रक्टर के बाद। हमने कहा पब्लिक वॉइड क्रिएट GUI, और हम सारी GUI की कोडिंग यहीं पे कर देंगे। और इस मेथड को विजिबल होने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम कहेंगे दिस डॉट क्रिएट GUI कॉल कर लेंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे हेडिंग का, तो हमने कहा हेडिंग इक्वल टू न्यू जे लेवल, और मैं यहाँ पे धीरे धीरे प्रोसीड कर रहा हूँ, जिससे आप भी करो साथ में और समझो। और मैंने कहा हेडिंग में देते हैं माय क्लॉक, या माय क्लॉक, और उसके बाद हम क्लॉक वाले वेरिएबल में ऐसे ही ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, कुछ रखेंगे नहीं, न्यू जे लेवल, और लिख देते हैं यहाँ पे क्लॉक। अब हम क्या करते हैं, दोनों हेडिंग का और क्लॉक लेवल का क्या सेट करते हैं, फॉन्ट। तो हेडिंग हमने कहा हेडिंग डॉट सेट फॉन्ट, सेट फॉन्ट, और यहाँ पे अपना फॉन्ट पास कर देंगे। इसी तरह हम कहेंगे क्लॉक लेवल डॉट सेट फॉन्ट, और यहाँ पे भी हम अपना फॉन्ट पास करें। उसके बाद जब फॉन्ट सेट हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने फ्रेम पे, अपनी विंडो पे
हेडिंग और क्लॉक को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले ये काम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपने हमारा जो विंडो है ये, इसका हम लोग लेआउट सेट करेंगे कि भाई जो हमारी क्लॉक है ये ऊपर नीचे जाएगी या कहाँ पे जाएगी। तो ये काम करने के लिए हम लोग, हमारे पास एक लेआउट है जो है ग्रिड लेआउट। ग्रिड लेआउट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने कंटेनर में रोज़ कॉलम में चीज़ों को डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ग्रिड लेआउट की हेल्प से करेंगे क्या, अपने कंटेनर, जो हमारा कंटेनर है उसमें जो रोज़ रखेंगे हम, जो रोज़ रखेंगे हम कहेंगे कि भाई हमारे में दो रोज़ हैं और सिंगल कॉलम है, जिससे होगा क्या कि कुछ इस तरह पैटर्न बन जाएगा। और हम हेडिंग को यहाँ पे रख देंगे, हेडिंग जो है वो माई क्लॉक है, यहाँ पे आ जाएगी। और जो हमारा क्लॉक वाला है होगा, जो क्लॉक होगी यहाँ पे क्लॉक वाली लेबल आ जाएगी। तो हम इस तरह करना चाहते हैं, ग्रिड लेआउट सेट करेंगे। और जो हमारा वेरिएबल है विंडो का वो है दिस जो बना रहे हैं, तो हम दिस डॉट सेट लेआउट ग्रिड लेआउट सेट करेंगे। तो चलिए हम लोग सेट करते हैं इसको, हम क्लियर कर देते हैं। और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हम दिस डॉट सेट लेआउट और यहाँ पास कर देंगे न्यू ग्रिड लेआउट, ग्रिड बैग लेआउट नहीं। और हम यहाँ पे रोज़ दे देंगे, हम कहेंगे टू रोज वन कॉलम्स, ठीक है। अब हम क्या कॉल करेंगे, दिस डॉट ऐड, हम कहेंगे पहली बार मैं हेडिंग ऐड कर दे रहा हूँ, उसके बाद हम दिस डॉट ऐड और अपना क्लॉक वाला लेवल ऐड कर रहा हूँ। और दैट्स इट, बस प्रोग्राम को हम रन करते हैं और देखते हैं। तो हम अपने मेन मेथड को रन कर देंगे, देखते हैं क्या होता है। अभी क्लॉक एक्टिव नहीं होगी, क्लॉक चलेगी नहीं, क्योंकि हमने कुछ बनाया नहीं है। ध्यान से देखिए यहाँ पे माई क्लॉक ये तो लेवल है तो लिखा ही रहेगा, साथ ही साथ में ये जो क्लॉक है यहाँ पे हम एक्चुअली में टाइम लाएंगे, करंट टाइम, कैसे यहाँ पे टाइम ला सकते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे यहाँ पे करंट टाइम ला सकते हैं हम, ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो क्लॉक हमने बनाई है इस क्लॉक वाले लेवल में हम लोग को टाइम को अपडेट करना है। तो टाइम को हम अपडेट यहाँ पे बनाने के बाद भी कर सकते हैं, बट बनाने से पहले नहीं कर सकते। तो जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया उसके बाद में यहाँ पे हम कहीं भी कोडिंग कर सकते हैं, बट कोडिंग को हम जीवाई वाले पार्ट में मिक्स नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, एक और मेथड बना लेंगे, पब्लिक वॉइड हैंड क्लॉक, क्या कहते हैं, स्टार्ट क्लॉक। और ये स्टार्ट क्लॉक मैं क्या करूँगा, जैसे हमारी क्लॉक बन जाएगी यहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि क्लॉक ऑब्जेक्ट बन चुका है तो स्टार्ट क्लॉक कॉल कर सकते हैं, या जब जीवाई आपकी पूरी क्रिएट हो गई तो आप स्टार्ट क्लॉक कॉल कर दीजिए और आपका ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए एक टाइमर क्लास है java.javax.swing के अंदर, टाइमर। ये क्लास क्या करती है, इस क्लास को हम अगर टाइम दे देंगे तो ये क्लास हर एक टाइम इंटरवल पे एक एक्शन परफॉर्म मेथड होता है एक्शन लिस्टनर का, वो मेथड कॉल करती रहेगी। अगर हम इसको एक सेकंड दे देंगे तो हर एक एक सेकंड में वो मेथड कॉल करती रहेगी और हम वहाँ पे क्लॉक को अपडेट करते रहेंगे। देखिएगा, हम कहेंगे न्यू टाइमर और इसको दो चीज़ें देनी होती हैं, एक डिले देना होता है, कितने देर बाद हमें मेथड को कॉल करना है। तो हम यहाँ पे, क्योंकि ये मिली सेकंड में होता है तो हमने वहाँ 1000 मिली सेकंड मीन्स 1 सेकंड पास किया। और यहाँ पे आपको एक एक्शन लिस्नर क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना है, तो एक्शन लिस्नर क्लास नहीं है, एक्शन लिस्नर इंटरफेस है। तो हम लोग एक चाइल्ड क्लास बना सकते हैं एक्शन लिस्नर का और उस एक्शन लिस्नर का ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास कर सकते हैं, बहुत इजीली काम कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम एनोनमस क्लास भी यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं न्यू एक्शन लिस्नर और एक्शन लिस्नर एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एनोनमस क्लास एक बन गई है, मतलब एक क्लास बन गई जिसका कोई नाम नहीं है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये क्लास है और उसके अंदर एक मेथड ओवरराइड हो गया, क्योंकि जो क्लास बनी है वो इम्प्लीमेंट कर रही है एक्शन लिसनर इंटरफेस को, और एक्शन लिसनर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है तो आपको एक मेथड, जो इंटरफेस का मेथड है एक्शन परफॉर्म, वो कॉल करना पड़ेगा। तो बस आप इतना समझिए कि जैसे ही टाइम स्टार्ट होगा हर एक सेकंड बाद ये वाला मेथड कॉल होता रहेगा और यहाँ पे हम टाइम को अपडेट कर देंगे। टाइम को अपडेट कैसे करेंगे, हम सबसे पहले टाइम को निकालेंगे, तो हम डेट टाइम दोनों चाह रहे हैं। डेट टाइम इज इक्वल टू, हम बनाएंगे डेट का ऑब्जेक्ट, डेट इज अ क्लास प्रेजेंट इज जावा डॉट यूटिल पैकेज, और हम इसको स्ट्रिंग में चेंज कर देंगे, सबसे आसान तरीका डेट निकालने का। और हम अपने क्लॉक वाले लेवल पे क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे सेट टेक्स्ट, और हम यहाँ पास कर देंगे डेट टाइम पास हो गया, दैट्स इट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जब ये सारा काम हो जाएगा उसके बाद हम अपने
टाइमर को स्टार्ट कर देंगे, टाइमर डॉट स्टार्ट। बस अब आप क्या करें, अपना प्रोग्राम चलाइए और आउटपुट देखिए क्या आउटपुट आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे हमने टाइमर चलाया, और क्योंकि ये विंडो छोटी है उसको थोड़ा बड़ी करते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक क्लॉक आ गई है जिसमें टाइम लिखा हुआ है और डेट टाइम दोनों है, और टाइम बढ़ रहा है हर एक सेकंड बाद। वो बेसिकली यही रहा है कि जो टाइमर है हर एक सेकंड बाद एक्शन परफॉर्म वाला मेथड कॉल कर रहा है और इस क्लॉक को अपडेट कर रहा है। तो इस क्लॉक को आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट भी कर सकते हैं। चलिए मैं इसको फॉर्मेट करके दिखाता हूँ। पहले सिंपल प्री डिफाइंड तरीके से फॉर्मेट करते हैं, फिर अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस डेट को फॉर्मेट करने के लिए आपके पास एक और तरीका है डेट को निकालने के लिए, फॉर्मेटेड डेट। तो हमने कहा डेट पहले वेरिएबल वही वाला ले लेते हैं, इक्वल टू, आप ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत है, डॉट टू लोकल स्ट्रिंग। तो ये क्या करेगा, थोड़ा सा मिलता जुलता फॉर्मेट दे देगा जो हमें समझ में आता है, क्योंकि हम इंडिया के हैं तो फिर हमें AM PM वाली डेट चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 16 जून 2019 1/1/23/24 और AM आ रहा है, बट ये प्री डिफाइंड है। आप इसमें अगर चेंजेस करना चाहते हो आप चेंजेस नहीं कर सकते हो, ये अपने आप से फॉर्मेट करके दी गई है। तो डेट को फॉर्मेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डेट का ऑब्जेक्ट निकाल लेंगे। यहाँ से देखिए हम डेट का ऑब्जेक्ट निकाल लेंगे, डेट डी इक्वल टू न्यू डेट, और एक क्लास है सिंपल डेट फॉर्मेट क्लास, उसको यूज़ करेंगे फॉर्मेट करने के लिए। सिंपल डेट फॉर्मेट क्लास इक्वल टू न्यू सिंपल डेट फॉर्मेट क्लास। और हम लोग को क्या करना है, सिंपल डेट फॉर्मेट क्लास को सिंपल फॉर्मेट डेट या सिंपल डेट फॉर्मेट SFD डॉट, यहाँ पे हमें एक मेथड है लिखना है, यूज़ करना है फॉर्मेट मेथड, और इसको डेट देना है, ये हमें स्ट्रिंग देगा, डेट देना है स्ट्रिंग देगा। तो हम लोग अपनी डेट का ऑब्जेक्ट यहाँ पास कर देते हैं और हम स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर लेते हैं। देखिएगा हम अपने उसी वेरिएबल में रख लेंगे डेट टाइम, बट ये फॉर्मेट क्या करेगा, देखिएगा किस बेसिस पे फॉर्मेट करेगा, जो पैटर्न होगा इसके कंस्ट्रक्टर में हमें यहाँ पे पास करना है। तो देखिएगा जैसे मान लो हमें प्रिंट करना है R, तो हम यहाँ पे लिख देंगे H, फिर अगर कोलन प्रिंट करना है तो कोलन लिख देंगे, फिर मिनट है तो M और फिर S, इतना करने पे देखते हैं क्या होता है। R मिनट सेकंड्स मैंने बेसिकली लिया है, राइट क्लिक करते हैं, और वो बेसिकली जो मैंने HHMMSS लिया है वो स्पेसिफायर है, और जैसे मैंने देखिए MM लिया था, HH लिया था, जो भी है, H मीन्स R, अभी एक बज रहा है, MM मीन्स मिनट, और ये था SS मतलब सेकंड्स। तो ये स्पेसिफायर है, ये बता रहा है कि आपको लेना क्या है। इसी तरह हम आपको यहाँ पे इस एक दिखा रहे हैं आपको स्पेसिफायर कि आप कौन कौन सा स्पेसिफायर वहाँ पे पास कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक पिक रखी हुई है जिसमें क्या है कि स्पेसिफायर्स दिए हुए हैं कि आप वहाँ पे कौन कौन से स्पेसिफायर पास कर सकते हो क्या निकालने के लिए, और जो यूज़फुल होगा उसको हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे ध्यान से देखिए, हमें जी जो है, अगर ईयर आपको चाहिए तो वाई स्मॉल वाई पास कर सकते हो, इस तरह से ईयर मिलेगा। अगर मंथ चाहिए तो आपको कैपिटल एम पास करना पड़ेगा, कुछ ऐसा मंथ मिलेगा। वीक चाहिए तो आपको यहाँ पे ऐसा पास करना पड़ेगा, वीक इन अ मंथ चाहिए तो आपको यहाँ पास करना पड़ेगा। डेट के लिए आपको डे इन ईयर ये पास करना पड़ेगा, इसी तरह अगर मंथ की डेट चाहिए तो आपको स्मॉल डी पास करना पड़ेगा। इस तरह फॉर्मेट स्पेसिफायर आप पास कर सकते हो। मैंने यहाँ पे देखिए एच यूज़ किया था, तो एच किसके लिए था, आर के लिए था, इन AM PM 1-12 घंटे वाली क्लॉक में ये आर देगा। मिनट था, घंटे में कितना मिनट चल रहा है, सेकंड्स था, अगर मिली सेकंड चाहिए तो कैपिटल्स लिख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली ये मैंने ओरेकल की वेबसाइट से ही निकाला है, तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे AM PM चाहिए तो आप A लगा सकते हो, मैं दिखा देता हूँ आपको A कैसे लगाना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे A भी लगा सकते हैं अपने जहाँ हमने फॉर्मेट यूज़ किया था। जैसे हमें इसके बाद A चाहिए तो AM PM भी आ जाएगा। सेव कर दीजिए और फिर से अपना प्रोग्राम चलाइए, आपको दिख जाएगा AM PM। तो वहाँ से स्पेसिफायर क्या कर सकते हो, आप निकाल सकते हो और यूज़ कर सकते हो। देखिए यहाँ पे A आ गया, अभी करंट AM चल रहा है, ये PM चल रहा है, सारी चीज़ें आप डिजिटल क्लॉक बना सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो। अभी तो मैंने क्लॉक बना दी है टाइमर को यूज़ करके, बट आप इस चीज़ को थ्रेड से भी कर सकते हो, थ्रेड से भी कर सकते हो, और अगर आपको मल्टी थ्रेडिंग आती है तो आप थ्रेड से करो, क्योंकि ज़्यादा कंट्रोल रहेगा।
आप कैसे करना चाहते हो ये डिपेंड करता है आप पे। ये सिंपल है, जो जिसको जिसको मल्टी थ्रेडिंग नहीं आती वो ये वाला तरीका यूज़ करे, जिसको थ्रेडिंग आती है वो अपना थ्रेडिंग वाला तरीका यूज़ करे क्लॉक वगैरह को बनाने के लिए, या फिर कोई भी काम आपको करना है दूसरे थ्रेड पे जो साइमल्टेनियसली करना चाहता है। जैसे अभी यहाँ पे क्या है, एक मेन थ्रेड है या इसको जिसको हम जीवाई थ्रेड बोल सकते हैं, वो अपना जीवाई वाला काम कर रहा है और ये क्लॉक वाला काम कर रहा है। तो मैं एक बार बता देता हूँ कि आपको थ्रेड की हेल्प से कैसे करना है। अगर आपने इतना कर लिया तो इट्स ओके, ये भी घड़ी दे रहा है। अगर आप थ्रेड से करना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ कैसे आपको थ्रेड करना है। यहाँ पे बेसिकली आपको एक थ्रेड बनाना होता है, जो कि हम वेरिएबल ले लेंगे थ्रेड और न्यू थ्रेड, ठीक है। आप यहाँ पे न्यू रनेबल भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे न्यू थ्रेड ले लिया। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी मैं एनोनिमस क्लास बना रहा हूँ जो एक्सटेंड करे थ्रेड क्लास को, और मैं ओवरराइड करूँगा पब्लिक वॉइड रन को, पब्लिक वॉइड रन को। अब होगा क्या, जैसे थ्रेड स्टार्ट होगा ये थ्रेड रन रन वाला काम कर देगा। तो रन में मैं लिखने क्या वाला हूँ, एक पहले ट्राई कैच लगाने वाला हूँ, जैसे कि इंटरप्टेड एक्सेप्शन आएगी उसको हम लोग कैच कर लेंगे, इंटरप्टेड एक्सेप्शन को हम लोग क्या कर लेंगे, कैच कर लेंगे। और अगर कोई आ गई तो हम स्टैक ट्रेस से प्रिंट कर देंगे अपना मैसेज। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक वाइल का लूप लगाएंगे जो कि ट्रू होगा, इनफाइनाइट चलेगा, ठीक है, इनफाइनाइट चलेगा हमेशा के लिए। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना जो टाइमर वाला काम था ये टाइमर वाला काम हम अपने इसके अंदर कर देंगे, ये वाला जो काम था टाइमर हम क्या करेंगे इसके अंदर कर देंगे। और ये काम करने के बाद हम यहाँ पे लगा के देंगे थ्रेड, जो भी करंट थ्रेड चल रहा होगा उसको स्लीप कर देंगे। हम कहेंगे थ्रेड डॉट स्लीप और हम 1 सेकेंड पास कर देंगे। ये हुआ क्या, ये टाइम को अपडेट करेगा, डेट टाइम को अपडेट करेगा, उसके बाद 1 सेकंड स्लिप लेगा, फिर से अपडेट करेगा, फिर से स्लिप लेगा, फिर से अपडेट करेगा, फिर से स्लिप लेगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो स्लीप वाले को, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट स्लीप 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 1 सेकंड पास कर सकते। तो ये वही चीज़ है जो ऊपर हमने लिखा है। अब आप ऊपर वाले को हटा सकते हो या कमेंट कर सकते हो, तो मैं क्या करता हूँ इस टाइमर को कमेंट कर देता हूँ जिससे कि ये एग्जीक्यूट ना हो। और हम अपने थ्रेड को यहाँ पे क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले, देखिएगा टी डॉट स्टार्ट सेव कर देते हैं और मेन पे जाते हैं और प्रोग्राम को रन करते हैं। तो देखिएगा एग्जैक्ट वही चीज़ हमने यहाँ पे अचीव की है, बस पिछली बार मैंने थ्रेड से टाइमर से किया था, इस बार मैंने थ्रेड से किया। तो आप ऐसे करके प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि जितना ही प्रैक्टिस करोगे उतनी ही चीज़ें आपके लिए इजी हो जाएंगी और तभी आप सॉफ्टवेयर वगैरह को बिल्ड कर पाओगे। पहले छोटे छोटे एप्लीकेशंस को बिल्ड करोगे, उसके बाद सॉफ्टवेयर वगैरह को बिल्ड करो। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि डायरेक्ट हम बहुत बड़ा एप्लीकेशन बिल्ड कर पाएंगे, तो कोई भी डायरेक्ट बिल्ड नहीं कर सकता। जब भी कोई पेड़ फल देने वाला होता है या फिर बड़ा होता है, तो वो स्टार्ट हमेशा छोटा से होता है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि पहले डायरेक्ट बड़ा होगा उसके बाद छोटा होगा, पहले छोटे से स्टार्ट होगा फिर बड़ा होता है फिर फल वगैरह देता है। तो यहाँ पे भी कोई चीज़ आप प्रोडक्टिव करने के लिए आपको पहले ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, अगर आपने कुछ सीखा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।